तो फ्रेंड आज हम बताएंगे डीप फ्रीज में कैसे अंदर का जो कूलिंग को पाइप है उसको कैसे चेंज किया जाता है। देखिए फ्रेंड, ये आपका हायर कंपनी का डीप फ्रीज कस्टमर का प्रॉब्लम है, ये कूलिंग नहीं होता। उसके बाद मैं कस्टमर का घर में गया था, मुझे इसमें लीकेज मिला, कूलिंग पाइप जो है वो सड़ गया, मतलब ख़राब हो गया, उसमें लीकेज है। कस्टमर को मैंने बोला इसमें अंदर का जो पाइप है वो आपको खोल के नया लगाने पड़ेगा। उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखने से आपको पता चलेगा, ऐसे में कोई पता नहीं चलेगा। स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते रहे, आपको सब कुछ अपना पता चल जाएगा कैसे कैसे डिफ्रिज का अंदर में जो कूलिंग पाइप है उसको कैसे चेंज किया जाता है। देखिए फ्रेंड, ये आपको कंप्रेसर आया था है, इसका जो कूलिंग पाइप है वो आपको ख़राब हो गया। ये देखिए दोनों पाइप मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, मतलब खोल दिया। ये वाला कूलिंग पाइप है, वो वाला कंडेंसर वाला पाइप है। देखिए फ्रेंड, इसका अंदर में जो टीना का पत्ती रहता है जहाँ से हम लोग कूलिंग चेक करता है, मतलब कितना ठंडा हुआ, जहाँ में आइस बनता है उसको यहाँ से खोलने पड़ता है। देखिए फ्रेंड, ये आपको हायर कंपनी का डीप फ्रीजर है जो ख़राब हो गया, कूलिंग होता नहीं। देखिए फिर इसको कैसे खोला जाता है, आप स्टेप बाय स्टेप देखने से आपको पता चल जाएगा, तो आप भी करने सकेंगे कोई भी डीप फ्रीज को। हमेशा आपको जब डीप फ्रीज का जब आप लोग टेक्नीशियन है वो घबरा जाता है, ऐसे हम लोग से होगा ना नहीं होगा, आप लोग से ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। आप हमेशा वीडियो में जैसा मैं देखा रहा हूँ ऐसा देख के आप खुद करिए, आपको पता चल जाएगा डीप फ्रीज को बनाना कितना आसान है। देखिए फ्रेंड, मैं इसको कैसे खोलता हूँ देखने से आपको सारा स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा, वो आप भी करने सकेंगे। मेरे जो हर का जो फ्रिज लीकेज प्रॉब्लम था कूलिंग कोयल, देखिए फिर मैंने किया कभी इसका अंदर में पाइप लगा दिया एक कोयल, उसके बाद में फिर एक कोयल लगाना बाकी है, लोग मैंने इसमें इसको यहाँ से झलाई किया है और एक कोयल इसमें लगाना है। देखिए फिर
जो कंडेंसर पाइप था मैंने इसको यहाँ से खोल के रिमूव कर दिया, मतलब यहाँ से खोल दिया डीप फ्रिज से, मतलब ये ख़राब हो गया है वाला पाइप। मैंने क्या किया, अलग से मैंने इसमें 400 लीटर का फ्रिज है, मैंने एक 300 लीटर का एक और 180 लीटर का दो जाली मिला के इसमें लगा दिया। देखिए भाई, नया जाली भी नया हो गया, मतलब कंडेंसर भी हमारा नया हो गया, जो अंदर का जो कूलिंग कॉइल वो भी नया हो गया, फ्रिज अभी बढ़िया बन जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, उसके बाद में आपको पता चलेगा कैसे क्या करना चाहिए, करने से डीप फ्रिज में आप सक्सेस होने सकते हैं। देखिए फैन, अभी जो मैंने नया कंडेंसर, मतलब इसमें जो कंडेंसर हम नया लगाया है, अब इसको मैंने यहाँ से झलाई कर दिया दोनों कंडेंसर को। अभी इसमें मुझे डायोड लगाना है और ये मतलब कंप्रेसर का अंदर में झलाई करना है। अरे मुझे अंदर में झलाई करना है, सबसे पहले इसको अंदर तक उसको घुसाना है, इतना तक घुसा देना। उसके बाद गार्ड लगा लेना है, अभी फिर इसको झाला करना है। कंडेंसर पाइप झाला हो गया। देखिए फिर मेरा कंडेंसर पाइप झाला हो गया बढ़िया से। अभी मुझे कूलिंग कॉइल भी ऐसा करके झलाना करना होगा। देखिए फिर मेरा कंडेंसर पाइप तो झाला गया, मुझे अभी कूलिंग कॉइल को कंप्रेसर में झला करना है। देखिए फिर ये वाला कूलिंग कॉइल का कंप्रेसर का अंदर में कूलिंग कॉइल मेरे पास, सबसे पहले मुझे इसमें घुसा देना है, उसके बाद में गार्ड लगाना है। गार्ड तो हमेशा लगाए, इसमें आपको सुहागा नहीं चाहिए।
कॉइल भी जला गया, कंडेंसर भी जला गया। अभी मुझे डायोड लगाना है इसमें। लोहा का पाइप हमेशा आपका सीज पेपर नहीं है, तब का जो जो फाइल है उससे मार्केट को छापा कर दीजिए। देखिए फिर मेरा छापा तो हो गया, मुझे अभी यहाँ से इसको काट कर देना है, उसका बाद में आपको अच्छे से झलाएगा, नहीं तो झलाई नहीं लगेगा। एक बार घुमाएं, उसके बाद इसको टाइट कर दीजिए, घुमाएं टाइट कर दीजिए, उसका बाद कार्डिंग हो जाएगा। देखिए फिर मेरा कटिंग हो गया, इसको हाथ से मोड़ लीजिए। क्या देखिए आपका उसमें जो फाइल है उसको यहाँ से घुसा के इसको ऐसा कर दीजिए, उसके बाद में इसको ऐसे मार दीजिए। इसमें आपको 1/4 का पाइप टुकड़ा झलाई करने पड़ेगा, नहीं तो हमारा कंडेंसर इसमें नहीं लगेगा। कंडेंसर मतलब नहीं, डायरेक्ट नहीं लगेगा इसमें। कंडेंसर का झलाई हो गया, डायर भी झलाई हो गया, अभी मेरा फ्रिज अभी वैक्यूम होगा। फ्रिज अभी गैस चार्जिंग हो रहा है, 134 गैस, गोदरेज कंपनी वाला। आई फोन अभी अंदर में आपको दिखाता है कूलिंग कैसा है। डायोड गर्म मोटामोटी आ गया,
जो मैंने नया पाइप लगा के गैजेट नहीं किया है। देखिए मैंने पिछले में लीकेज प्रॉब्लम था, मैंने किया कि अंदर का जो पाइप थे सब सार गया था। नया वन पोर्ट का पाइप लगा के मैंने उसको गैजेट नहीं किया। देखिए फ्रेंड ठंडा आ रही है, देखिए ठंडा नया पर नया कौन सा दोनों ही नया। क्या फिर 400 लीटर का हायर का डिक्रीज था। बड़ा नीचे तक आज चला जाएगा। संख्या भी सही ले रहा, 1.689 ले रहा है। अपने इसका डीप फ्रिज का अंदर में कूलिंग कॉइल चेक कर लेता है। सबसे पहले हम कंडेंसर को चेक करेंगे गर्मी कितना हुआ है। देखिए फ्रेंड गर्मी अच्छा थोड़ा है। उसके बाद में फिर डायर को चेंज करते हैं। हाँ डायर का गर्म भी ठीक है, ये आपका डायर फिल्टर मतलब डायर गर्म ठीक है। आई फ्रेंड अभी अंदर का जो मैंने जो नया लगाया पाइप उसको चेक कर लेते हैं ठंडा कैसे आ रहा है। देखिए फिर आप लोग जो सफ़ेद सफ़ेद देख रहा है आपको आइस बन रहा है। देखिए फिर ये देखिए आइस हो रहा है। देखिए फिर अभी मेरा और काम बाकी है इसमें। इसमें टैप मार के उसके बाद वो चिपकाना है। इसका जो रहता है ठंडा देखने वाला ये वाला उसके अंदर में लगा फिटिंग होगा, ये बाकी है। देखिए फिर अभी आपका 20 मिनट जैसा इसका हुआ चलाने के लिए चलाया हम। देखिए फैन आइस हो रहा है चारों तरफ में, देखिए चारों तरफ में। डीप फ्रिज का कोई बात कोई प्रॉब्लम हो जो कोई मुझे कमेंट करिए, मेरा नंबर है 708। फैन मुझे डीप फ्रिज में इसको पेस्टिंग कर देना है। इसको इसको इसमें पेस्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले फेविकॉल जो रहता है उसका मदद चाहिए। देखिए फैन ये आपका हो गया फेविकॉल। सबसे पहले आपको फेविकॉल को इसमें लगाना होगा। उसके बाद में आपको वो जो टीना का पति देख रहा है उसको लगा देता है। देखिए इसको कैसे लगा देता है। सब तरफ में बराबर आपको लगाना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। सबसे पहले आपको पाइप को बैठाना है, उसके बाद में फेविकॉल मार के ये वाला पत्ती को इसमें लगाना है। देखिए फिर मैंने सब तरह से पाइप बैठ गया। जो कूलिंग पाइप मैंने नया लगाया कॉपर का, यह आपका फेविकॉल टीना का पत्ती आपको इसमें लगाना अच्छे से। देखिए मैंने उठा लिया, मैंने टीना का पत्ते को बैठा के उसको मुझे कुछ चाप दिया मतलब आठ हमारा अच्छे से लग जाए। और मुझे इसको भी लगाना है सेम तरीक़ा से। पहले
इसमें आपको फेविकोल जो देता है इसको सबसे पहले इसमें सबसे चारों दगा में इसको लगाने के बाद में आपको फिर इसको चिपका देना है। देखिए फ्रेंड से आपको फेविकोल को इसमें सबसे पहले उसको लगा देना है थोड़ा ज़्यादा करके। सब जगह में आपको बराबर लगाना है इसको फेविकोल को। उसके बाद आपको जो आपको तीन का पट्टी देख रहे हैं उसको भी लगाना है फेविकोल उसको भी, उसके बाद में इसको चिपक जाएगा। थोड़ा मेहनत होता है लेकिन काम बढ़िया होता है। दो सेट मेरा हो गया, दो सेट बाकी है। सेट को लगाना है सेम तरीके से सेम प्रोसेस। लेकिन मेरा तो मतलब लगाना हो गया फेवी कॉल को, थोड़ा सा बाकी है और एक कट मेरा बाकी है। फोल फेविकोल लगा के होता है जो आता है चिपक जाता है, मतलब ये मेरा टीना को लगाने के लिए तभी तो होता है जैसा पहले था उसे उसमें जाता है। लास्ट टाइम मैंने बताया इसको भी लगाना है सेम तरीका सेम प्रोसेस।
करके इसको छोड़ दिया 5 मिनट के लिए। सब जगह हमारे चिकन में बड़ा बहुत फ्लेवर लगा दिया, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं लगाना चाहिए इसमें, बड़ा बहुत चाहिए फ्लेवर। अभी मैंने इसको 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया और सूखने के लिए इसको। अभी मुझे क्या करना है, टीन का जो पत्ती इसमें जो इसमें जो टीन का पत्ती लगता है उसको फ्लेवर लगाना है। अभी ये वाला पत्ती है इसको इसको फ्लेवर लगाना है। जो था उससे चिपक गया और कूलिंग आपको अच्छा से आ रहा है। देखिए चारों तरफ में बराबर अपना चिपका लगाना चाहिए। आपको जहाँ में चिपक जगह उसमें चिपका लगाना है, वहाँ का तरफ है। इसमें बड़ा बहुत हमको लगाना होगा, अंदर में मत लगाए। मेरा एक टेना फेविकॉल इसको उसमें खा गया, एक टेना फेविकॉल ख़त्म मेरा। अब इसको चिपकाना है कैसे देख लीजिए। अभी इसमें इस पत्ती को चिपकाना है। ध्यान से लादे का काम करिए जब आप डिपिस का काम कर रहे हो। कोई अभी मुझे इसको चिपकाना है, चिपका लगाने के बाद में मुझे भी आधा घुसा दिया। ये अभी अंदर में जाकर मुझे मिलाना है सेम जैसा था पीस पहले, उसके साथ मुझे इसमें इसको बड़ा बड़ा लगा के छोड़ देना है 3 घंटे के लिए। अभी मुझे अच्छे से बैठाना पड़ेगा इसको।
मेरा जो डीप फ्रीज कूलिंग का प्रॉब्लम था, मैंने क्या किया उसका अंदर में जो कंडेंसर कॉइल भी लगा दिया, नया कूलिंग पाइप भी लगा दिया। मेरा डीप फ्रीज रेडी हो गया, अभी कस्टमर को मैं दे दूँगी। अगर आपका ये वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कमेंट में बताएं आपका क्या क्या डीप फ्रीज में क्या प्रॉब्लम है। मेरा नंबर है 7086822793, इस नंबर में मेरा व्हाट्सअप है, कॉल भी है। आप डीप फ्रीज का ए टू जेड प्रॉब्लम मुझसे शेयर करिए, मैं आपका उसका सोल्यूशन दूँगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगला वीडियो में।